सारा सामान खाने पीने जगह कैसे बनाई यार थोड़ी बात क्या यार हम लोग कितना बारिश लग रहा है बारिश लगा से गाड़ी आती दिखती है सामान क्योंकि हम लोग का प्लान है आज बारबेक्यू करने का मतलब जाने का कल सॉरी कल आज रात के मतलब कल फ्राइडे है तो हम लोग का प्लान बनाया बारबेक्यू जाने का इंशाल्लाह गाइस और इस दफा नए रास्ते से जाएंगे बहुत जबरदस्त रास्ता है देखते हैं तो आपके साथ लेके चलेंगे बाकी मैं ये देख रहा हूँ ये सारा सामान आप देख रहे हैं गाइस सारा सामान इधर कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आ रही अभी रखते हैं गाइस फिर आपसे बात करते हैं गाइस देखे ना सारा सामान ये देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है अभी और सामान घर पड़ा हुआ है यार सामान रख दिया था मैंने लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई सामान रखने के बाद तरतीब से रखा पूरा सेटिंग बनाई मैंने तो बस ये है कि अभी नींद आ रही है रात को बहुत लेट सामान रखने के बाद ऊपर आया हूँ और पेट्रोल भी डलवाया गाड़ी में बस अभी लव बर्ड को खाना वगैरह डालूंगा फिर गाइस रेडी होते हैं नहाता हूँ फिर निकलेंगे चल गाड़ी में आ गए ये देखे गाड़ी मैंने जगह कैसे बनाई यहाँ कम्बल छम्बल जैकेट वगैरह रख दी और कम्बल वगैरह फिर चटाई पड़ी है ये पीछे देखे ये जगह बनाई पूरी मैंने सॉरी पीछे देखे पूरा अभी भी जगह है कितना सामान मैंने रखा सेटिंग करके रात को बस यहाँ सारा सामान आ जाएगा अंदर से रखेंगे गाड़ी के क्योंकि फिर पता है दरवाज़ा ये कहते हैं खोलेंगे रखेंगे तो गिरेगा सारा तो गाड़ी के अंदर से रखेंगे फिर यहीं से निकाल लेंगे चलें गाइस फिर निकलते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट में आ गया हूँ सारा सामान गाड़ी में रख दिया है और बस अभी निकलेंगे हम सब लोग तो आपसे रास्ते में जाके बात करते हैं चलें तो हम लोग अभी नए रास्ते से जा रहे हैं आप बताते कौन सा रास्ता है अब वो आपको बताएंगे ये नॉन मुस्लिम रोड है अच्छा ये शॉर्टकट भी है जी और ये सीधा जाकर शफा में मिलेगा अच्छा शिफा जाता है ये रोड गाइस हम लोग जा रहे हैं इस रोड से तो चले गाइस चलते हैं मैं आपको बताना बोल के शायद पता ही नहीं बताया बोल के मैं दोबारा बोल देता हूँ गाइस ये हम लोग एक नए रास्ते से आए हैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं लोकेशन के थ्रू मैं आया हूँ लेकिन ये बहुत जल्दी रास्ता 156 किलोमीटर बता रहा था जिससे हम लोग जद्दा से निकले थे रास्ते से तो 156 किलोमीटर बता रहा था लेकिन ये देखिए पूरा अभी गांव में हम लोग देखिए सारा उस ज़माने का पेट्रोल पंप बना हुआ है देख सकते हैं आप वो गाइस देखें तो इधर हम अभी जुमे की नमाज़ पढ़ने लगे गाइस मैं आपको दिखा गाइस आप देख सकते हैं वो सामने हम जाना ऊपर हमने कितनी प्यारी जगह है यार देख सकते हैं गाइस तो यहाँ अंदर हम नमाज़ पढ़ते हैं गाइस एक गाँव देखें कितना प्यारा है फिर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया सबको मेरे से बहुत बहुत जुमा मुबारक यार ये कैमरे से क्यों बात कर रहा है बंदा तो बस गाड़ी चले आपसे बात करते हैं रास्ते में ही चलते हैं चलो
गाइस क्या व्यू है गाइस, सही डिसीजन लिया है, सही जगह पे पहुंचे गाइस, क्या व्यू है डायरेक्ट यार, वाओ गाइस वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस। हम लोग पहुंच गए शिफा में, लेकिन इतनी सर्दी है, 14 बता रहा है, इट्स फील लाइक 12 या 11 है गाइस कसम से, तो सही सर्दी लगी हुई है। और बस अभी ये है कि यहाँ रश भी नहीं है, और अभी आई है भी बारिश भी आई है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना रश होगा कि सर्दी में कोई लोग आते भी होंगे। तो गाइस बहुत सर्दी है, और रोड आपने देखा था कितना प्यारा रोड था, और आप गाड़ी का हशर देखा, अभी गाड़ी देख सकते हैं आगे से कितना बारिश लगते हैं, बारिश लगी हुई थी। और गाइस ये मौसम देखें ज़रा, कितना प्यारा मौसम है गाइस, बादल देखें है ना, माइनस सर्दी है ना बेटा, 12-14 है, लेकिन फीस फील लाइक 12 गाइस। हमने कहा सारा सामान ले लेते हैं, हमने कहा और फिर निकलते हैं। वाओ हम लोग बादलों के अंदर है माशाल्लाह, देखें फोग है बिल्कुल, कुछ नहीं आगे दिख रहा। अलहमदिल्ला हमने खाना खा लिया था, और सर्दी मुझे बहुत लग रही है गाइस, बहुत अभी मैं गलती कर रहा हूँ, मैं दूसरी जैकेट पहन के आ गया, मोटी जैकेट पहन के नहीं आया, और सर्दी लग रही है मुझे गाइस। और बस अभी लगा चाय बना रहे हैं, और अभी इसलिए मैं आग कोयलों के पास आके खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ। वही ना, टेंट लिया बड़ा फायदा है, तो अभी ये आपको दिखाते चले गए, आपको दिख रहा नहीं होगा लेकिन बारिश लगी हुई है, ये देखे बारिश शुरू है, तेज हुई भी लगी हुई है, आज देख सकते हैं कितनी फोग है। और हम लोग इधर आगे आए हैं सारे बच्चे साथ, ये देखे जरा सर्दी लग रही, सब कुछ लाइन से जा रहे हम लोग बिल्कुल, ये देखे कितना फोग है, घूम नहीं होंगे बेटा, और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होगी गाइस, थोड़ी थोड़ी हमारा बारिश शुरू होगी, देखो हाँ क्या गाइस देखे, भागो 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 भागो, निकलो 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 गाइस, देख सकते फोग कितना है, कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं होता कि यार पूरा क्लियर दिखता है, लेकिन फोग देखे बहुत ज्यादा है। तो वो रेसिंग कर रहे हैं, चैलेंज को कर रहे थे रेसिंग, अभी आएंगे जैसे देखें मुझे मारे ना, बाकी शहर है। वो देखे आई 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 आई, वो देखे वो देखे वो देखे आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, नूरी कहाँ गई है, किधर गई, कक्ष समझ नहीं आ रहा किधर गई नूरी, नूरी नूरे
नो रे उल्टा आ गई है पागल, ये देख उल्टा। ये किस बार निकल रहा है, इनको बोलो अंदर करे। बाकी छत में ये कुर्सियां रखी हैं कि कुर्सी आज भाई ने अभी जाके ली थी रास्ते से, कुर्सियां नहीं ली थी हम लोगों ने बैठने के लिए, कुर्सियां नहीं थी हमारे पास, तो मैंने कहा चलो कुर्सियां रख ली, सामान भी पूरा आ गया। और ये देखें अब्बू रस्सी बांध रहे होंगे, व्यस अब्बू रस्सी बांध रहे हैं, फिर निकलते हैं गाइस चलें। गाइस मैं आपको बताना भूल गया, हम दोबारा सेम रोड से जा रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि इलाके नहीं है तो बहुत खतरनाक रोड है, देखते चलते साथ जा रहे हैं। गाइस हम लोग को ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा था, तो हम लोग को यहाँ वापिस आ रहे हैं गाइस, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा हमें आगे, बहुत दिख रहा है गाइस, बिल्कुल नहीं दिख रहा हमें, हम रिस्क नहीं ले रहे बिल्कुल भी। रात सुबह का टाइम होता है, अलग बात है, वापिस आ रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहा। गाइस देखे माशाल्लाह सही तेज़ बारिश लगी हुई है, देखे गाड़ी की लाइटों के आगे देख सकते हैं आप, माशाल्लाह सही तेज़ बारिश लगी हुई है। मैं रुका हूँ, मैंने कहा आप लोग के लिए गाइस रुका हूँ, मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले गाइस निकलते हैं फिर अभी। गाइस यार बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट हो गया गाइस, गाइस हमारा बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है गाइस, सब ठीक ठाक है गाइस। फिर आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ रात को, कल रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। और आप ये गाड़ी देखें ज़रा, गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ, यहाँ लगा जाके गाइस मेरे दिल में, क्योंकि मैं आपको पता है कि इस गाड़ी के साथ बहुत प्यार है मेरा, बहुत गाड़ी को मैं संभालता हूँ, उसको बहुत मैंने उसको बनाया था मैंने, लेकिन चलो मैं ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बच गई, गाड़ी की खैर है, गाड़ी दोबारा बन जाती है। और दूसरी बात यह है कि बस ये है कि मेरी अम्मी को ज़्यादा लगी थी तो उनको एम्बुलेंस में लेके गए थे, और अब्बू को थोड़ी सी लगी, मुझे यहाँ लगी, लेकिन मेरा ये है कि तभी थोड़ा बाजू चल रहा है, कल रात को बाजू नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, मैं बहुत काम पर था, तो आज दिन में सुबह थोड़ा दर्द हुआ ज़्यादा, तो ये है कि किसी गाड़ी को लगी नहीं थी। हुआ ये था कि हम लोग टाइप से नीचे उतरे, उतरने के बाद ना गाड़ी उतर रहे थे हम लोग टाइप से ना नीचे, हदा रोड है जो गाड़ी, पानी बारिश लगी थी, हमने देखा होगा आखिरी वीडियो बारिश की बनाई थी मैंने, गाड़ी पानी मतलब रोड बहुत गीले थे, गाड़ी गाइस स्लिप होगी, गाड़ी इतनी स्पीड में भी नहीं थी, वो एक टर्न आया वहाँ से गाड़ी स्लिप होगी, गाड़ी जाके राइट को लगी, राइट के बाद लेफ्ट को लगी, लेफ्ट के बाद फिर राइट को बचाई अबू ने, फिर सीधी जाके दीवार में लगी, अगर दीवार को तोड़ के निकल जाती तो अगले रोड में चले जाती वो गाड़ी, अगर ये राइट साइड में चले जाती गाइस वहाँ से डायरेक्ट नीचे पहाड़ी में चले जाती गाड़ी। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, इतनी ज़ोर से गाड़ी गाइस लगी ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी गाड़ी थी तो इतना चलो इतना तक हुआ है कि यार आगे तक नहीं आया, मैं देख रहा था अभी गाड़ी कि आगे तक बिल्कुल इंजन तक नहीं आया ये इसका पूरा डैमेज, वरना आपको पता नई गाड़ियाँ आजकल तो बिल्कुल प्लास्टिक गाड़ियाँ हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये है कि हम लोग बच गए अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ये अभी अम्मी आगे हॉस्पिटल से घर में ही है, मम्मा अबू भी सब लोग घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्ट पे दवाइयाँ दी हैं इनको रेस्ट पे, क्योंकि पता है
झटका लगता है तो इंजरी वगैरह तो होती है, आपको पता है कभी बाजू में दर्द, किसी को ये दर्द है लेकिन सिर्फ अम्मी को ज़्यादा लगी क्योंकि अम्मी आगे बैठी हुई थी। और बस ये है गाइस के बस अभी गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ, देख रहा हूँ गाड़ी को क्या है। हाँ दिखाता हूँ गाइस आपको ज़रा। आज फिर आपने पूरी वीडियो देखी, ये अभी तो गाड़ी की आगे मैंने बनाई है, वो मैंने गलती से कैमरा सीधा रखा हुआ था, मेरा सर भी फट रहा था तो फिर मैं अभी घर आ गया था, उसके बाद लेट गया था सर क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा था बहुत गाइस। तो अभी बस ये है कि घर में ही कोई पट्टी लगाई है, देखना है ज़रा पूरी लगाई है, तो अभी हाथ सीधा नहीं कर सकता इसलिए कैमरे के साथ पकड़ा हुआ है मैंने, मतलब ऐसे नहीं कर सकता अभी हाथ को मैं, बिल्कुल टेढ़ा नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है बहुत। तो मैंने कहा दर्द थोड़ा कम हो गया तो फिर छोड़ो, लेकिन दर्द ज़्यादा हो गया, फिर दवाई लगाई इसके ऊपर, अभी फिर उसके पट्टी लगा दी गर्म, तो देखते कल तक क्या होता है। तो गाइस बस अपनी गाड़ी में ही बैठा हूँ मैं, ये है कि अभी स्टार्ट की थी गाड़ी मैंने, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा आगे घुमा के घर के पीछे एक पार्क है उधर गाड़ी खड़ी की है, चेक कर रहा हूँ गाड़ी को मैं बस ऐसे ही। तो चले गाइस ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बस ये अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नूरी भी साथ थी बेचारी, ये भी डर गई थी, सो रही थी उस टाइम पीछे, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा का बहुत शुक्र है कि बच गया, ये है कि सब घर में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस ये था, अम्मी का भी टेंशन हो गई थी बहुत, मुझे अब्बू को भी लगी थी पाँव की तरफ थोड़ी सी क्योंकि ब्रेक लगी, पता नहीं क्या पाँव की तरफ उनको लगा, मुझे ये जो हिस्सा नहीं इस तरफ का ये लगा, हाथ लगा मेरा जोर से बहुत उस तरफ। नूरी बेचारी तो नीचे गिर गई क्योंकि सो रही थी तो उधर से नीचे गिर गई, और अम्मी को उस तरफ से लगी थी, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह तक शुक्र घर में सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत, जो लिखा था गाइस वो होना था। तो बस ये है कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ये है कि अभी मैं ये अगले हफ्ते तक गाड़ी दे दूंगा, जब भी हुआ मैं गाड़ी ला के रंग कर दूंगा, सब कुछ होगा, उसकी भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि मेरा भी सर दिमाग ख़राब, सर फट रहा है पूरा मेरा भी गाइस। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़। गाइस मैंने घर आके मैंने कहा एंडिंग में आपको तो कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा आखिरी बात बोल रहा हूँ कि मैं ब्लॉग अभी नहीं बनाऊँगा, मतलब सोरा एक हफ़्ते के लिए ब्रेक चाहिए मुझे सिर्फ, क्योंकि मेरे मेरा दिमाग सेट नहीं है एक्सीडेंट के बाद जो जो हुआ मुझे आगे पता है, मैंने वहाँ वीडियो भी इतनी नहीं बनाई थी, तो मुझे दिमाग में मुझे पता तो मेरा चल रहा है अभी, और मेरा हाथ में भी प्रॉब्लम है, इसमें दर्द हो रहा है, और सर भी बिल्कुल वो हुआ हुआ क्या कहते हैं समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल गाइस। तो लेकिन इंशाल्लाह रिकवर हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ मुझे ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम लोग व्लॉग बनाएंगे, गाड़ी की भी व्लॉग बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, जो गाड़ी इंशाल्लाह बनाऊंगा चलें।